करना है चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। पहले सवाल को पढ़ना है, सवाल क्या गया वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग को पहले बता दिया सवाल में कि क्या निकालना, हम लोग को इसका एपी निकालना है, क्या निकालना है एपी निकालना है, मतलब एपी क्या क्या होने वाला है एपी, जिसका तीसरा पद मतलब पहला पद दूसरा पद तीस नंबर पद कितना होगा 16 होगा ठीक, और सातवां पद मतलब एक दो तीन चार इधर एक दो तीन चार पाँच छः सात, और सात नंबर जो पद होगा वो पांचवा पद से 12 ज्यादा, ये यहाँ पे जितना होगा यहाँ से कितना ज्यादा इस क्वेश्चन से 12 ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 12 ज्यादा होगा, तो 12 अधिक है, यहाँ क्या है 12 अधिक है, बस इतना दूर दिया है। आपको एपी निकालना है, आपको बात बोलिए एपी निकालने के लिए क्या जरूरत होता है, पहला पद और सर्वांतर ए और डी का मान अगर पता है आपको तो आप एपी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ए और डी का मान पता रहने से हम लोग सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग को ए का मान जैसा भी हो निकालना होगा, जो क्वेश्चन में जिस तरह से दिए हैं उस तरह से करते हैं, दिया है दिया क्या क्या है हम लोगों का ए थ्री, ए थ्री क्या देखे रखे हैं 16 देखे रखा है कि नहीं रखा है, ए का मान क्या होगा ए थ्री का ए प्लस टू डी होगा बराबर 16, इससे क्या मानते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान देते हैं ठीक। अब क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, अब क्या है सातवें पद मतलब ए सात नंबर जो पद होगा, ए कितना नंबर सातवें पद होगा, सातवें पद से वो पांच नंबर पद, पांचवें पद से कितना ज्यादा होगा 12 ज्यादा होगा ना, सामने क्या होगा 12 ज्यादा है इसलिए 12 ज्यादा कर देते हैं, ए सात है तो ए सात इधर लाते तो माइनस होगा कि नहीं होगा माइनस 5 बराबर 12 कर सकते कि नहीं कर सकते, प्लस इधर ला दिए माइनस हो गया। अब ए सात क्या कर सकते हम लोग ए प्लस 6d माइनस ए प्लस कितना कर सकते हम लोग ए प्लस कितना होगा हम लोग का 4d हुआ कि नहीं होगा बराबर 12, ये माइनस है तो माइनस कर देते हैं ए प्लस 6d माइनस ए बराबर माइनस डी बराबर 12 होगा कि नहीं होगा, प्लस है प्लस माइनस में माइनस, प्लस माइनस में माइनस, प्लस है यार यहाँ पे क्या है माइनस है, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते आराम से काट सकते हैं, या प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, सिक्स से कितना घटाना है 4 घटाना है, सिक्स से 4 घटाने पर क्या होगा हम लोगों का 2 2d बराबर 12। अब क्या कर सकते हैं हम लोग डी का मान डी बराबर 12 2 2 एकम 2 2 6 12 डी का मान कितना आ चुका हम लोगों का 6 आ चुका है, डी का मान कितना आ चुका हम लोगों का 6 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ सिर्फ इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 16 ना, ए डी का मान कितना है 2 गुना 6 बराबर 16, ए प्लस 12 बराबर 16, ए 16 माइनस 12 तो ए का मान कितना आ चुका हम लोगों का ए का मान 4 आ चुका है, बस कमाल हो गया भाई, डी का मान भी निकल गया और ए का मान भी निकाल गए हम लोग, तो हम लोग ए भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब हम लोग का पहला पद ए मतलब क्या होता है पहला पद कितना होना चाहिए हम लोग का 4 होना चाहिए, अब डी मतलब 6 करके बढ़ेगा क्या होगा 10, फिर क्या आएगा हम लोग का 4 6 कितना होगा या 6 बढ़ेगा कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा 6 करके बढ़ेगा ना डी, और क्या होगा हम लोग का 16 देख तीन नंबर पद आ गया 16 बा और 16 6 22 22 6 28 बस हम लोग का एपी हम लोग आराम से निकल गए, हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं ना, बस इस तरह से हम लोग का एपी निकालने बोला था एपी हम लोग निकाल दिए हैं। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे 17 नंबर देखेंगे, तो चलिए 17 नंबर देखते हैं।